मुझे सिर्फ उसी केस का फैसला करने का इख्तियार है जो कोर्ट के सामने है। चूंकि इस केस में सारे सबूत मुलजिम के खिलाफ हैं, मैं मुलजिम को मास्टर के कत्ल के जुर्म में सबूत सारे गलत है। राजा कातिल नहीं है योर ऑनर। मैं खत की वारदात का सही पहलू पेश करना चाहता हूँ योर ऑनर की। खून कैसे हुआ, किससे हुआ, किन हालात में हुआ, फैसला देने से पहले मेरी गवाही एक बार फिर से सुन ली जाए, मेरी यही इल्तिजा है। इजाजत है। पुलिस ने अपनी गवाही में कहा है योर ऑनर कि दोनों चाकुओं पर राजा की ही उंगलियों के निशान थे, वो सही है। लेकिन मैं कहता हूं कि कत्ल राजा ने नहीं किया, वो भी सही है। मैं योर ऑनर आपको एक घड़ी के लिए मौका है वारदात पे फिर से ले जाना चाहता हूं। बहुत उम्दा, मुझे तुम पर हमेशा नाज रहा है राजा। बोलो, मेरा वो काम हुआ या नहीं? पहले पिस्तौल हटा। पहले जवाब दो हाँ या ना। यही तरीका है तुम जैसे कमीने जुआबाजों से हिसाब छुपाने का। ये मत भूलो, 2 लाख में मेरा भी हिस्सा है। ये आज मेरी वजह से तुम्हारे सामने घुटने टेक रहा है। चुप रहो गधे की औलाद। उस जीते हुए रुपए में से मेरा भी कमीशन बाकी है। बकवास बंद करो सुवार। मैं पहले इससे निपट लूं, बाद में तुझे भी देख लूंगा। जवाब दो हाँ या ना। अगर हाँ है तो मेरा काम हो जाना चाहिए, और अगर ना है। जो चाकू तख्ते में जाके धस गया वो राजा का फेंका हुआ था, और जिस चाकू ने मास्टर का निशाना बनाया योर ऑनर, वो मेरे हाथ से निकला। इस हाथ से जो हमेशा दस्ताने के पीछे छुपा रहता है योर ऑनर, मेरा हाथ जला हुआ है, मेरा हाथ जला हुआ है। और यही वजह है कि मेरी उंगलियों के निशान चाकू पे नहीं मिले। योर ऑनर, राजा के अल्फाजों को अब मैं दोहराता हूं कि अगर मेरा चाकू मास्टर पे वार न करता तो उसकी पिस्तौल हम दोनों को निशाना बना देती। मुकदमे की पूरी जांच के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मुलजमान को अपनी जान की हिफाजत के लिए मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा, इसलिए अदालत इन दोनों मुलजिमों को कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है।